माइ सेल्फ संकेत आई वॉज शूटिंग द वीडियो एंड बीच में ही फोन बज गया तो वो वीडियो डिलीट हो गई है तो मैंने ये पूरा वीडियो में सिखाया था पर मैं वापस से आपको सिखाता हूं सो से विल स्टार्ट सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सो देर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड वन इज इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अब ये क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा सो इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इसको हम प्यार से सीधा बोलते हैं इट इज सीधा एंड सेकेंड वाला है इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इसको बोलते हैं उल्टा इन जनरल लेजर है ना इन जनरल इन जनरल अपन बात करते हैं सो इट इज सीधा और इन डेटर्स लेजर यानी जरा उल्टा फुलटा है क्योंकि जनरल लेजर एडजस्टमेंट है तो उल्टा ओके सो दिस इज द टू थिंग्स ऐसे ही क्रेडिटर्स का बनाना है डेटर्स लेजर को बॉट लेजर वगैरह वगैरह भी बोलते हैं सो क्रेडिटर्स लेजर का भी सेम ऐसे ही रहता है मैं आपको डेटर्स लेजर का समझाने की कोशिश करता हूं सो वील स्टार्ट द सम्स सो क्वेश्चन नंबर वन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर इन जनरल है ना भाई सीधा है इतना आप याद रखिए और सेकंड है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर बोले तो उल्टा है सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो सबसे पहले आप एक सेकेंड हां ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेंट्री डेटर्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेंट्री डेटर्स आपने एक कॉलम बना लिया इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट सो देर इज अ फॉर्मेट फ्रेंड्स आपने लिख दिया इन जनरल लेजर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि एकदम सीधा है और आपने शुरू कर दिया सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स तो यहाँ पे आपने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन फोर्टी थाउजेंड बाय बैलेंस कैरीडाउन टू थाउजेंड रुपीज ये आपने लिख दिया इसके बाद फर्स्ट स्टेप है आप इन जनरल लेजर बना रहे हो ना तो यहाँ लिख दो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद जो चीज़ आप बना रहे हो इन जनरल लेजर बना रहे हो तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर बना रहे हो तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और आप शुरू करते हैं सो सबसे पहले कैश एंड चेक रिसीवन लैख सिक्सटी थाउजेंड यहाँ पे आई होप इट इज विजिबल कैश एंड चेक रिसीवन लैख सिक्सटी थाउजेंड सो इसकी एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कैश रिसीव्ड है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स मैंने यहां लिखा भी था यू कैन सी हियर सो फर्स्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स यानी बाय कैश सो यहां बाय कैश लिख दिया वन लैख सिक्सटी थाउजेंड सेकेंड इज क्रेडिट सेल्स एज पर सेल्स डे बुक टू लैख क्रेडिट सेल्स हुआ है सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो टू सेल्स है तो यहां टू क्रेडिट सेल्स यानी टू सेल्स टू क्रेडिट सेल्स टू लैख रुपीज लिख दिया उसके बाद थर्ड जो है वो है डिस्काउंट अलाउड सो डिस्काउंट अलाउड की क्या एंट्री होती है योर एंट्री शुड बी वेरी परफेक्ट फ्रेंड्स नहीं तो आपको सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में बहुत प्रॉब्लम आएगी बस आप इतना ध्यान में रखो डेटर्स लेजर बना रहे हैं ना तो एक तो डेटर डेबिट होगा नहीं तो डेटर क्रेडिट होंगे इसके अलावा चौथी एंट्री होने वाली है नहीं है सो एवरी एंट्री यू कैन सी कैश टू डेटर डेटर टू सेल्स डिस्काउंट टू डेटर सो डेटर विल बी ऑलवेज देयर इफ यू आर प्रिपेयरिंग डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट सो हियर थर्ड पॉइंट इज डिस्काउंट अलाउड उंट अलाउड so, की क्या एंट्री होती है यहां लिख दिया बाय डिस्काउंट सिक्स थाउजेंड रुपीज ऐसे ही बैड डेट्स बैड डेट्स बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स बाय बैड्स लिख दिया वैसे ही बिल्स रिसिवेबल बिल्स रिसीवेबल की क्या एंट्री होती है यानी बिल्स रिसिवेबल डेटर को अपन खत्म करते हैं और बीआर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर यानी बीआर अकाउंट डेबिट है इसका मतलब क्या है बाय बीआर सो so, यहां बाय बीआर 20000 लिख दिया और फिर उसके बाद अह बीआर हो गया डिस्काउंट जो है फ्रेंड्स ये आता नहीं है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड और प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स ये दो चीजें ऐसी है जो कभी आती नहीं है कोई भी आप बना लो ये दो चीजें नहीं आएगी यानी टोटल तीन से चार चीजें हैं पर जैसे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैसे जो जो चीजें नहीं आती है वो मैं बताते जाऊंगा सो बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड कभी नहीं आता है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कभी नहीं आता है उसके बाद आप बात करोगे सो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ट्री डेटर्स आपने यहां लिख दिया क्लोजिंग टू बैलेंस कैरिड डाउन सिक्स और ये जो दो एंट्रीज है ये आप वैसे के वैसे सीधा यहां लिख देना ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेज़र टू क्रेडिटर्स लेज़र यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं सो so वन थाउजेंड रुपीज और ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ इसकी आप टोटल लो टू लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज यहाँ लिख दो और जो बैलेंस है फोर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड वो यहाँ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के अंदर लिख दो दिस इज इट दस मार्क का क्वेश्चन आता है ये सीधा हो गया जहां मैंने आपको बताया था इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल इन जनरल बोले तो जो सीधी सीधी एंट्री होती है इधर कैश है तो यहां बाय कैश लिख देंगे अब जो है उल्टा क्योंकि ये दोनों पूछते हैं फोर फोर मार्क्स को या फाइव फाइव मार्क्स को इन जनरल लेजर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ ये पांच मार्क्स को और इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ सो so, अब इसकी बारी आई उल्टा करने की बारी आई हियर आई हैव उल्टा सो वट यू डू बैलेंस दो हजार यहां था यहां लिख दिया उल्टा यानी ये जो कॉलम है ना पूरा कॉपी पेस्ट यहां करो ये वाला कॉलम पूरा कॉपी पेस्ट यहां करो आपको रटवाना नहीं है मुझे इसलिए मैं एंट्री बाय एंट्री आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उल्टे का मतलब क्या सो so, आपने बैलेंस लिख दिया टू थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड फिर आप इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो सो so, डेटर्स लेजर के अंदर बना रहे हो तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय डेटर्स लेजर इन दोनों को कोलंदी के अंडरलाइन कर लो और शुरू करो सो so, सबसे पहले था कैश रिसिव यहां देखिए आप कैश एंड चेक रिसिवन लैख सिक्सटी थाउजेंड सो एंट्री तो यही होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स यानी यहां था अपन ने यहां क्या किया था बाय कैश किया था पर अभी उल्टा करना है सो व्हाट वी विल डू टू कैश वन लैख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज इज इट क्लियर आई होप इट इज विजिबल सो टू कैश करना है यहां बाय था यानी जब आप इन जनरल लेजर बना रहे हो मैं वापस बता रहा हूं क्योंकि ये एक समय आपको समझ गया तो आगे कुछ भी नहीं है यही एक इंपॉर्टेंट है वट व्यू डू इन सीधे के अंदर आप क्या करते हो आप जैसे ही इन जनरल लेजर डेटर लेजर एडजस्टमेंट इन जनरल बोले तो सीधा सो so, सीधा सीधा जो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर यानी बाय कैश तो यहां सीधा बाय कैश करो जब इन जनरल लेजर बना रहे हो और जब इन डेटर लेजर बना रहे हो ना यानी जनरल लेजर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करने वाले हो यानी उल्टा करो जनरल लेजर को आप बेस लेके चलो अगर जनरल लेजर बस दिए है जनरल लेजर तो जनरल जनरल करो अगर जनरल लेजर एडजस्टमेंट दिया है बोले तो उल्टा करो सो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स जब कैश आई है सो बाय कैश करना चाहिए था पर ये उल्टा है अब मैं वापस नहीं बताऊंगा ये उल्टा है तो यहां हमने लिख दिया टू कैश अब सेकेंड है क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है क्रेडिट सेल्स उसकी एंट्री होती है डेटर्स टू सेल्स डेटर्स टू सेल्स डेटर्स टू सेल्स तो यहां टू है यानी यहां करना था पर ये उल्टा है सो विल डू बाय सेल्सिट सेल्स टू लैख ये, ये सॉरी मैंने तो ऊपर लिखी दिया है सॉरी सो बाय क्रेडिट सेल्स टू लैख रुपीज ये अगर आपको यह नहीं समझी एंट्री उल्टे की यह कॉपी पेस्ट करो यहां से उठाओ ये देखो क्रेडिट सेल्स टू लैख यहां था तो ऑब्वियसली आएगा पर मुझे रटवाना नहीं है इसीलिए मैं एंट्री बाय एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूं बाय तो के जगह क्या करोगे टू डिस्काउंट टू डिस्काउंट सिक्स थाउजेंड लिख दिया वैसे ही रिटर्न इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड की एंट्री क्या करते अब मैं इसका भी बताऊंगा और इसका भी रिटर्न इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स यानी ये यहां ऑब्वियसली बाय आता है सो so, बाय में आप यहां लिख दिए अगर उल्टा है तो इसको काटो टू करो यहां हो गया टू रिटर्न इनवर्ड फोर थाउजेंड उसके बाद आता है बैड डेट्स थ्री थाउजेंड बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है बैड डेट्स यहां पे मैं लिख देता हूं बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स अगर आप सीधा सॉल्व कर रहे हो सीधा सो व्हाट यू हैव टू डू बाय बैड डेट्स यहां आपने बाय बैड डेट्स लिख दिया कहा है बाय बैड डेट्स ये बाय बैड्स थ्री थाउजेंड रुपीज लिख दिया पर आप उल्टा कर रहे हो तो बाय को काटो टू करो टू बैडेट्स थ्री थाउजेंड रुपीज इसके बाद अगली एंट्री बिल्स रिसीवे बी आर की क्या एंट्री करते हो बिल्स रिसीवेबल रिस्यूड डेटर को खत्म करते हो मैंने जैसे बताया बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अगर आप सीधा करते थे तो यहां ऑब्वियसली यहाँ टू है तो यहां क्या आता था, था बाय तो आपने बाय बी आर लिख दिया था यहां पर अभी उल्टा है काटो इसको क्या करो टू करो सो टू बी आर ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज उसके बाद डिस्काउंटेड की एंट्री नहीं आती है मैंने बोल दिया प्रोविजन की एंट्री नहीं आती है और उसके बाद बस जो बचा है क्लोजिंग का वो आपने यहां लिखा था ये तीन एक तो वन थाउजेंड का कुछ ट्रांसफर किया था और टूवेल्व हंड्रेड का ट्रांसफर किया था तो अब वो यहां नहीं लिखते हुए यहां लिखना है सो ये वन थाउजेंड हंड्रेड इसको आप टोटल कर लीजिए वही आएगी टू लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड अभी यहाँ पे एक सिक्स थाउजेंड का छूट गया है वो ये था कि यहाँ टू बैलेंस डाउन था तो यहाँ बाय बैलेंस डाउन करेंगे टू लैख फोर्टी सिक्स टू लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड आ गया और यहाँ पे जो है ट्रांसफर जो है यानी फोर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड का जो बैलेंस आएगा इसकी टोटल और इसकी टोटल करने के बाद ये जो बैलेंस आएगा वो आप यहाँ ट्रांसफ़र कर देना बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन फोर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड और एक जो मेरे से छूट गया वो ये सिक्स थाउजेंड है इसको यहाँ आप कर देना टू बैलेंस कैरीड डाउन अब्रॉड डाउन सॉरी सिक्स थाउजेंड और यहाँ पे भी जो टू बैलेंस कैरीड डाउन था सो यहाँ आप कर देना बाय बैलेंस कैरीड डाउन सिक्स थाउजेंड दिस इज़ इट फ्रेंड्स फॉर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर इतना इजी है बस ऐसे ही आपको क्रेडिटर्स की एंट्री पास करनी है इट इज़ वेरी इजी मैं एक बार आपको फिर से दो मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा जब क्वेश्चन बोले इन जनरल लेजर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ इन जनरल लेजर है ना जनरल लेजर बोले तो सीधा कुछ सोचना मत डायरेक्टली आप एंट्रीज पास करना कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स है तो ऑब्वियसली यहां टू है तो यहां बाय आएगा तो बाय कैश से आप शुरू कर देना पहले दोनों के बैलेंस लिख देना और टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट जो पहले नाम रहता है वो लिख देना और सॉल्व करना जब क्वेश्चन बोले कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट करो बोले तो जनरल लेजर में भी एडजस्टमेंट करो बोले तो कोई तो प्रॉब्लम है तो उल्टा करना पड़ेगा सो सपोज एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स सो यहाँ बाय कैश आना चाहिए था पर अभी हम उल्टा कर रहे हैं तो टू कर रहे हैं तो आप ये जो है ये एक बार आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि इन जनरल लेजर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल बोले तो एकदम सीधा सीधा जनरली बात कर रहे हैं डेटर लेजर का एडजस्टमेंट करना है जनरल लेजर का कुछ नहीं करना है पर अगर क्वेश्चन बोले जनरल लेजर एडजस्टमेंट बोले तो यार जनरल में भी एडजस्टमेंट करना है सो इट इज उल्टा दिस इज इट फ्रेंड्स यही है जनरल लेजर एडजस्टमेंट और डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट ये टेन मार्क्स को आता है सेल्फ बैलेंसिंग का हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आता है ट्वेंटी ट्वेल्थ सिलेबस में तो आता ही था अब ट्वेंटी सिक्सटीन सिलेबस के अंदर भी सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है सो इट इज वेरी इजी आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा और आप न्यूमेरिकल्स 100% परसेंट सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको और कोई टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स स्टे कनेक्टेड टेक केयर बाय